हेलो सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके सिर्फ बोर्ड लेवल का है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी देख लेना ताकि ये क्वेश्चन आपको याद हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल का है। इसलिए इस वीडियो को पूरी देखकर इस क्वेश्चन को याद कर लेना, और साथ ही मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ सिर्फ बोर्ड लेवल के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ। आज मैं बताऊँगा 24 से, इसके पहले वाले वीडियो में 1 से 23 तक बताए हैं, आज बताऊँगा 24 से 42 तक ऑब्जेक्टिव। चलिए दोस्तों, आपका 24 नंबर ऑब्जेक्टिव है, साधारण ईथर कौन सा है, साधारण ईथर कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, CH3O CH3। इसका नाम है मेथॉक्सीमेथेन, इसका नाम है मेथॉक्सीमेथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, निम्न में कौन केनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, HCHO, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट देता है, गर्म करने पर सोडियम फॉर्मेट देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सोडियम ऑक्सैलेट तथा H2 देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपचयन करने पर द्वितीयक एमीन किसके द्वारा दी जाती है, अपचयन करने पर द्वितीयक एमीन किसके द्वारा दी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, एनिलीन एवं एस्टल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाता है, एनिलीन एवं एस्टल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्स, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्किप्स बेस। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, यानी कि मानव शरीर कौन इनमें से कौन नहीं उत्पन्न करता है, एंजाइम या डीएनए या हार्मोन्स या विटामिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है न्यूक्लिक अम्ल क्रम है। तो आपको चुनना है इसका कौन सा क्रम होगा। तो इसका सही आंसर होगा बेस शर्करा फास्फेट। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये तो सबको मालूम होगा, ये बोर्ड में आने वाला प्रश्न है, कई बार आ चुका है। इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, सेल्यूलोज ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर नैनून 6.6 का निर्माण किसके संघनन से होता है, किसके संघनन से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा सी नंबर, एडिपिक अम्ल व हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैप्रोलैक्टम के प्रयोग द्वारा बनने वाला संश्लेषित बहुलक कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नैलून 6, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एमोक्लिसिन किसका अर्ध संश्लेषित परिष्करण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पेनिसिलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्लोरोफेनिकॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 30 ATM या बार, एक ही है ATM या बार, 30 ATM। किस
किसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम है, किसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जिलेटिन, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह क्रिया जिसमें कोलाइडल कोलाइडल कोण अवक्षेपित होते हैं कहलाता है, वह क्रिया जिसमें कोलाइडल कोण अवक्षेपित होते हैं कहलाते हैं, त्याश्लेषण कहलाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एल्यूमिनो थर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है, निष्कर्षित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर क्रोमियम सी आर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए निम्नलिखित में आयनों डी सिक्स आयन का उदाहरण है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा तो उसको बनाकर देखना पड़ेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट प्लस थ्री, इसका सही आंसर हो जाएगा थ्री, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद प्लस थ्री है तो इसको घटा देंगे तो इसका सही आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव है, रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर कॉपर और एल्यूमिनियम, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन फिनॉल है, निम्न में कौन फिनॉल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पिक्रिक अम्ल यानी कि पिक्रिक एसिड, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका सही आंसर ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए यहीं तक, और ऐसे ही मेरा और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं जब भी ऐसा नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।